अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहु। अबरार भाई को सुनने के बाद कोई दूसरा उनके बाद खड़े रहे, ये बहुत ही गलत तरीके से मुझे फंसाया गया है। अबरार भाई, वाकई में ये जो नज़म है आपकी, ये आज के जो हालात है, हम सभी मिलकर ये दुआ करें कि हमारा फितनाए दज्जाल भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाए। जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, अबरार भाई ने बिल्कुल सही बात कही है। अबरार भाई मेरे लिए सिर्फ एक शायर ही नहीं है, एक बहुत अजीम शख्सियत है, मेरे भाई है, दोस्त है, और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। यकीनन उन्होंने एक बात कही है कि हम दोनों जो काम कर रहे हैं वो मोहब्बत का काम कर रहे हैं, मैं सियासत के जरिए कर रहा हूं और वो साहित्य के जरिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इम्तियाज जलील मुझे बिगाड़ना भी चाहते हैं करके, मैं कैसे बिगाड़ना चाहता हूं उन्हें ये भी बताना जरूरी है, और यकीनन आप लोग मेरा साथ देंगे इन्हें बिगाड़ने में। दरअसल मैं अबरार भाई को जब से करीब से देखने लगा, उनसे बार बार मिलने लगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस मुशायरे की निजामत अबरार काशिफ साहब करते हैं उसकी कामयाबी 200% की गारंटी देती है। तो जब से मैं अबरार भाई के करीब आया, मैं आज तकरीबन 2 साल पहले अबरार भाई 2019 में मैंने 2019 में मैंने अबरार भाई को यह कहा था, अबरार भाई चलिए सियासत के मैदान में उतरा जाएगा। और मैं लगातार जब भी उनसे मिलता हूं उन्हें ये बार बार ये दावत देता हूं, अबरार भाई अगर पार्लियामेंट के अंदर मुझे खड़े रहना और जिन जिन मुद्दों के ऊपर बोलना तो मुझे तकरीर करना पड़ता है, वो लोगों को समझ में आ जाती मैं जो बोल रहा हूं। अगर आप खड़े रहे और ये नज़म पढ़ दे तो दज्जाल को समझने के लिए कम से कम 8 दिन लग जाएंगे कि क्या कहा है। ये फर्क है मेरे और आपके लहजे में, जबान में। मैं तो बैठे बैठे अबरार भाई को जब सुन रहा था, मैं ये सोच रहा था कि काश मैं भी उर्दू पढ़ लिया होता, सीख लिया होता, तो शायद मैं भी शायर बनने की कोशिश करता, ये सियासत के दलदल में नहीं आकर गिरता। इसलिए नहीं कि मुझे उर्दू मैंने ना स्कूल में सीखी है ना कॉलेज में, उर्दू अगर कहीं से सीखी है तो पड़ोस में रहने वाले बशर नवाज साहब से सीखी है, और चूंकि पड़ोसी थे तो हमारा हक उनकी शायरी के ऊपर ज्यादा था। करोगे बात याद तो हर बात याद आएगी। आज यकीनन बशर नवाज साहब का इंतकाल हो गया है, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जैसा सोहेल ने बताया है, इस शहर की एक तहजीब रही है, इस शहर के अंदर उर्दू अदब शायरों की अगर हम लिस्ट बनाने की शुरुआत करें तो इतने सारे नाम वहां पर आ सकते हैं। बशर नवाज साहब नहीं है लेकिन उनकी गली से गुजरो तो उनका वो शेर याद आता है कि गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, तरसती आंख से रास्ता किसी का देखेगा, निगाहें दूर तलक जाके लौट आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी। मैं तो अबरार भाई ये चाह रहा हूं कि 20 नवंबर तक एक 4-6 प्रोग्राम्स और ले लीजिएगा यहां पे। 20 नवंबर को इलेक्शन है और मुझे हर रोज इतनी बकवास सुनने को मिलती है, कितने दिनों के बाद मैं भी अपने आप को बड़ा फ्रेश महसूस कर रहा हूं।
अबरार भाई आपका एक शेर जो मैं यकीनन अपने पास रखा हूं, जब ये नौजवानों का जोश देखता हूं तो आप ही का शेर, ये बकवास जब मैं बाहर सुनता हूं तो आप ही के शेर, अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात नहीं है, अगर तुम हो तो घबराने की बात थोड़ी है, जरा सी बूंदा बांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। तो ये शेर पढ़ लेता हूं और अपने आप में हिम्मत पैदा कर लेता हूं, अरे जरा सी बूंदा बांदी है, कौन सी बरसात है। तो मैं अबरार भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। अबरार भाई, आज यकीनन सोशल मीडिया का दौर है और हमने बहुत सारे शायरों को देखा है जो दुनिया में मशहूर हुए हैं, तो वो सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपनी मकबूलियत उन्होंने हासिल की है। ये आपके टैलेंट का नतीजा है कि बगैर सोशल मीडिया के ऊपर आए हुए आज सारी दुनिया अबरार काशिफ का नाम जानती है, आपके कलमों को जानती है। ये आपका हुनर है, ये टैलेंट है। और अबरार भाई, सही मानों में अगर देखा जाए तो जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप बोलते ही जाए, रुके ना। लेकिन आज आपने इस शहर को चुना, अपने इस YouTube को, आपके सोशल मीडिया को लॉन्च करने के लिए। मैं औरंगाबाद की अदब और तहजीब से ताल्लुक रखने वाली आवाम की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अबरार भाई, मैं IJ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता हूं और उसमें मुशायरा भी होता है, आप भी उस मुशायरे के अंदर आए हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, अब तो हार गए, होगा क्या IJ फेस्टिवल? वो सियासी हार थी, लेकिन इस बार भी होगा। और आज अपने औरंगाबाद की आवाम की तरफ से मैं अभी आपको अभी से ही दावत दे रहा हूं, आपको आना है और इस नज़म को जरूर सुनाना है हमें। आपने इतने से वक्त के अंदर सारी दुनिया के अंदर जो आज के माहौल है उसको, उस माहौल को जिस खूबसूरती से आपने पेश किया है, अबरार भाई मेरी सिर्फ आपसे इतनी इल्तिजा है कि आप, मैं तो कुछ नहीं कर सकता था इसलिए सियासत में आ गया। आप तो दिन में सियासत करके रात में मुशायरा भी कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। 29 तारीख तक फॉर्म भरने की डेट है, आप लोग सब अमरावती से आए हैं। अबरार काशिफ साहब के ताल्लुक से मैं असद साहब को बार बार कहता हूं, साहब एक बंदे के पीछे पड़ा हुआ हूं मैं, अगर उन्होंने हां बोल दिए तो हमको 50 जीत के आने की जरूरत नहीं है, 2-5 ही रहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी रहेंगे। मैं अमरावती, अकोला और अबरार भाई के साथ जितने भी लोग आए हैं, आप मुझे फोन कर देना, समृद्धि मार्ग की वजह से अमरावती 3 घंटे का सफर हो गया है, 3.25 घंटे के अंदर AB फॉर्म आपके हाथ में रहेगा इंशाल्लाह। जोरदार तालियों से आप है तो अबरार भाई के लिए। और मैं इसलिए अबरार भाई मैं बहुत सारे शायरों को जानता हूं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, आज अगर आप मेरे पास देखेंगे तो सुबह से लेके रात तक, देर रात तक हमें टिकट चाहिए, भावी आमदारों की कमी नहीं है मेरी पार्टी में, तो भरमार है, यहां पे ढूंढे तो यहां से निकल रहे हैं। लेकिन शायद मैं आपको पूरी जिम्मेदारी और पूरी यकीन के साथ कह रहा हूं, अबरार भाई अकेले आप ऐसे वाहिद शख्स हैं जिसके पीछे इम्तियाज जलील और असदुद्दीन अवैसी साहब पड़े हैं, कि अबरार भाई आइए सियासत के मैदान में। आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, थैंक यू वेरी मच।